इस वीडियो में आप देखेंगे वर्लपूल फ्रिज का अनबॉक्सिंग जो कि फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने परचेस किया है, और ये इंजीनियर हैं जो कि आ गए हैं। इंस्टॉलेशन डेमो जैसे कि मिलता है फ्री में, तो सर्विस सेंटर से इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए आए हुए हैं और यही ओपन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि इंस्टॉलेशन और डेमो क्या होता है। भाई साहब बहुत परेशान हुए हैं, फिलहाल अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अभी आप देखते रहिए। तो दोस्तों ये निकल गया है आउटर पैकेजिंग, जो आउटर कवर था वो निकल गया है। आप देख पा रहे हो कितने थर्माकोल लगाए गए हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कहीं भी डेंट वगैरह ना आ जाए, कहीं से पचक वगैरह ना आ जाए। नाउ भी देखिए हर तरफ से इसका लुक देख लीजिए, कहीं से कुछ दिक्कत तो ना हो। तो दोस्तों हम लोगों ने हर तरफ से हमें चेक कर लिया, कहीं भी डेंट नहीं है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट है ना? हाँ। तो दोस्तों अब जो है कि बोर्ड में प्लग कर दिया गया है इसके वायर को, और अब जो है कि इसका डेमो हम लोग देखा जाए। हाँ, इसमें करंट नहीं आ रहा है, लाइट भी है, वायर भी लगा दिया गया है, अभी नया नया फ्रिज है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है और इसमें करंट भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? अभी भाई साहब चेक करेंगे। इसलिए कंपनी जो है इंस्टॉलेशन और डेमो देती है, और ज़्यादातर यही उनका एडवाइस होता है कि आप इसे ओपन ना करें। जब इंस्टॉलेशन डेमो वाले आएंगे वो खुद ओपन कर लेंगे, ताकि रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न करने में कोई दिक्कत ना हो यदि कोई समस्या निकलती है तो। क्या दिक्कत है? इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये बार बार प्लग को निकाल के लगा रहे हैं, देखिए क्या समस्या निकलती है। अभी नई नई फ्रिज है और अभी ख़राब है, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है पता नहीं। अभी ये ओपन हो रहा है फाइनली। यदि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं था फ्रिज में, बस ऐसे ही है, परेशान थे। खैर अभी आप बने रहिए, अभी जो सस्पेक्ट है अभी मैं क्लियर नहीं करूँगा, लास्ट तक आप बने रहिए। तो दोस्तों बोर्ड भी चेक हो गया मोबाइल का चार्जर लगा के, बोर्ड सही है। बहुत मेहनत करवाया है, सही हो गया। सही हो गया। जब बोर्ड भी चेक हो गया तो क्या दिक्कत है? इसमें करंट नहीं आ रहा, यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा, यानी कुछ तो समस्या है। दोस्तों इस फ्रिज के एडवांटेज की बात करूं तो ये 3 स्टार है, आपका जो बिजली बिल होगा वो कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। पर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो रैक है वो शीशे वाला नहीं है, जाली वाला है, रॉड वाला है, यही थोड़ी सी कमी है इसमें, जो कि शीशे वाला देना चाहिए था, वो थोड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों आप छोटा सा एक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो काट के आपको दिखाई जा रही है, वीडियो जो है काफ़ी लंबा है। जो भाई साहब हैं जो भैया हैं काफ़ी देर से परेशान हैं, तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं, पर अभी तक इसकी समस्या पता नहीं चल पाई है कि क्यों ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्रिज है वो 198 लीटर का है और सिंगल डोर फ्रिज है,
जो कुछ है सामने है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसका स्पेशल फीचर है जो आपको बताने लायक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सिंगल फैमिली के लिए, दो लोगों के लिए ठीक है, छोटा है, जितना उसमें दिख रहा है उससे भी ज़्यादा छोटा है जब सामने आया तो, क्योंकि इतना छोटा लग नहीं रहा था देख के, पर ज़्यादा छोटा है। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया और अभी भी जो है कि ये ऑन नहीं हुआ, समस्या का पता नहीं चल पा रहा है। हर तरफ से इनको सही नज़र आ रहा है फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए बन जाता है तो अच्छा है, ये ऑन हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए, छोटा सा वीडियो और बचा हुआ अभी आपको फाइनली पता चल जाएगा। भैया ने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी देर से परेशान हैं और अभी तक इसका कुछ नहीं हो पाया। अभी इसका तार वगैरह सब कुछ चेक हो गया, अब इधर देखो अंदर का सब कुछ खोल के सब चेक हो गया, अभी पीछे का भी सब कुछ खोल के चेक कर लिया गया है कि कहाँ से आखिर दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है। देखिए अंदर भी सब खुला हुआ है, सभी तार निकले हुए हैं, तो अभी जो है चेक हो ही रहा है। एंड देखिए समस्या क्या हुई थी, समस्या जो हुई है वो बोर्ड से ही दिक्कत रही या फिर प्लग से कहीं दिक्कत रही, जो कि इस बोर्ड में सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी दूसरी जगह इसे लगा कर चेक किया गया है तो ये ऑन हो गया है। सो गाइस फाइनली ये फ्रिज सही है, इंस्टॉलेशन डेमो वाले जो भैया काफ़ी परेशान हुए और ये फिर से असेंबल कर देंगे जैसे था वैसे ही। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।